Thank you.
जो मन में भावना प्रेरणा आ जाए उसके अनुरूप ही कार्य होता है। एक तो कुछ मुख्य मुख्य प्रसंग रह गए, उसकी पूर्ति फिर माधव ही करेंगे, मतलब ये माधव प्रभु करेंगे। और साधन में, श्रद्धा में, निष्ठा में, भक्ति में जो अपूर्णता अभाव रह गया उसको राधा माधव जी पूरा करेंगे, ना? क्योंकि माधव माधव वाजी माधव माधव रिणी स्मरन्ति साधव सर्व कार्येषु माधवम्। अभी हम लोग माधव प्रभु से भागवत जी के कुछ प्रसंगों को श्रवण करेंगे। सुनाओ माधव प्रभु, सुनाए ना? ऊपर बिठाना पड़ेगा, छोटा है ना, खड़े होगे आधा घंटा खड़ा नहीं हो सकते। इधर आ जाओ, इसको हटाओ, छोटा बच्चा है, इतनी देर खड़ा नहीं हो पाएगा। वंदेहं श्री गुरु श्री उत्पत्कन्नम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजन्तं सागर प्रभुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सैन्यं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सभागण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च नष्ट प्रायशो अधर्त्रेषु नित्य भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म और विष्णुपाद अष्टोत्तरश शिष्यवर भक्ति निदान सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन कहे ये वचन विस्तार से कथा और लीला के माध्यम के रूप में श्रीमद् भागवतम में प्रकट हुए। गुरुदेव कहते हैं कि भगवद गीता वो है जो भगवान ने कहा है और भागवतम वो है जो भगवान ने किया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक वचन कहा है यमयम वापि स्मरण भावम त्यजति अर्थे कलेवरम तब तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। हे कुंती पुत्र, मनुष्य मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए जिसका स्मरण करता है वह अगले जन्म में उसी गति को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय जिसकी जैसे विचार और इच्छाएं होगी उसका अगला जन्म भी वैसा ही होगा। यदि कोई भगवान का स्मरण करेगा तो वे भगवान को प्राप्त करेगा, लेकिन जो जड़ जगत की वस्तुओं का स्मरण करेगा वे इसी संसार की चक्र में फंसा रहेगा। यदि कोई यह सोचे कि हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर लेंगे, लेकिन यह सहज नहीं है, क्योंकि जिसने पूरे जीवन भगवान का भजन किया ही नहीं है उसको मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आएगा कैसे? जिसका जैसा अभ्यास होगा उसका स्मरण भी वैसा ही होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलयुग में भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, और नाम भी कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
भगवत गीता के श्लोक यज्ञ पापी को एक भागवत के उदाहरण से समझेंगे। श्रीमद् भागवत में एक राजा की कथा आती है जिसका नाम था पुरंजन। पुरंजन का एक मित्र भी था जिसका नाम था अभिज्ञात। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। एक दिन जब वे दोनों भ्रमण कर रहे थे तो पुरंजन ने एक बहुत बड़ा महल देखा जिसके नौ द्वार थे और उसका नाम था, इसलिए उसका नाम था नवद्वारपुरी। पुरंजन उस महल को देखकर बहुत आकर्षित हो गया और अपने मित्र अभिज्ञात को भूल गया। पुरंजन ने उस महल से एक सुंदर स्त्री को बाहर निकलते हुए देखा जिसके 11 अंगरक्षक अर्थात बॉडीगार्ड्स थे और बहुत सारे सैनिक भी थे और उसके ऊपर 5 सिर वाला सर्प एक छत की तरह था। पुरंजन उस स्त्री को देखकर बहुत मोहित हो गया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगा। उस स्त्री बोली कि मेरा नाम पुरंजनी है और मैं इस महल नवद्वारपुरी की महारानी हूँ। मैं विवाह करने के लिए एक वर की खोज कर रही हूँ। फिर पुरंजन और पुरंजनी की वार्ता से वे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। फिर पुरंजन और पुरंजनी का विवाह हुआ और वे दोनों प्रेम से रहने लगे। पुरंजन पुरंजनी से बहुत आसक्त हो गया। जब पुरंजनी प्रसन्न होती तो पुरंजन भी प्रसन्न होता और जब पुरंजनी दुखी होती तो पुरंजन भी दुखी होता। लेकिन कोई भी सुख सदैव नहीं रहता है। फिर कुछ समय बाद एक गंधर्वों का राजा जिसका नाम था चटवेग, उसने अपने 360 गंधर्व और 360 पत्नियों के साथ नवद्वारपुरी पर आक्रमण कर दिया। उनका युद्ध बहुत वर्षों तक हुआ और पुरंजन की सेना बलहीन हो गई। फिर उसी समय एक और राजा जिसका नाम था भय, उसने भी नवद्वारपुरी पर आक्रमण कर दिया और पुरंजन मारा गया। पुरंजन ने मृत्यु के समय अपनी पत्नी पुरंजनी का स्मरण किया। ऐसा करने से ही उसे अगला जन्म स्त्री शरीर में मिला। दूसरे जन्म में पुरंजन बना पुरंजनी अर्थात स्त्री और पुरंजनी बनी पुरंजन अर्थात पुरुष। फिर पुरंजन का दूसरा जन्म चल रहा है स्त्री शरीर में। उसका विवाह एक मलध्वज नाम के राजा से हुआ। वे दोनों भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति करते थे। फिर कुछ समय बाद मलध्वज की भी मृत्यु हो गई। फिर वो अपने पति के साथ सती होना चाहती थी तो जैसे ही वो चिता पर बैठी तभी एक व्यक्ति आया और बोला कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और तुम किसकी मृत्यु का शोक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम पिछले जन्म में पुरंजन थे और मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात था। तुमने मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण किया इसलिए तुम्हें इस जन्म में स्त्री का शरीर मिला। अब तुम मृत्यु के समय अपने पति का स्मरण करोगे फिर तुम्हें अगला जन्म पुरुष का मिलेगा। फिर स्त्री पुरुष चलता रहेगा और तुम इसी संसार के चक्र में फंसी रहोगी। अब इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि कौन क्या है। पुरंजन है जीवात्मा। नवद्वारपुरी जो महल था वो है शरीर के 9 द्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, 1 गुदा और 1 मूत्र द्वार। पुरंजनी के जो 11 अंगरक्षक थे वो है 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन। पुरंजनी है बुद्धि जो हमें माया में फंसाती है। जो 360 गंधर्व और 360 पत्नियाँ जिन्होंने पुरंजन के महल पर आक्रमण किया था वो है वर्ष के दिन और रात। और जो गंधर्वों का राजा था चंडवेग वो है समय, क्योंकि समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। और जो पहलगाम का राजा था जिसने पुरंजन के महल पर आक्रमण किया था वो है मृत्यु। और जो पांच सिर वाला सर्प था वो है हमारे पंच प्राण। और अंत में है अविज्ञात
अभिज्ञात है भगवान जो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन माया में फंसकर हम उन्हें भूल जाते हैं। यह भगवान गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस भगवत गीता के श्लोक को हम अब एक और उदाहरण से समझेंगे। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे भरत, जो भरत राज्य बने और उन्हीं के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वे बहुत अच्छे राजा थे। जब उनके मन में भक्ति करने की भावना प्रबल हुई तो वे अपना राज्य, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। वहाँ वह गंडकी नदी के तट पर एक आश्रम में रहते थे। वे सारी आसक्तियों को त्याग कर भगवान का बहुत अच्छे से भजन करते थे। वे प्रतिदिन दिन में 3 बार स्नान करते, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते और भगवान नारायण की उपासना करते। फिर एक दिन जब वह नदी के तट पर बैठकर भजन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक हिरणी नदी से जल पी रही है। तभी शेर के गरजने की आवाज़ आई और उस हिरणी ने भय के कारण नदी पार करने के लिए दूसरी ओर छलांग लगा दी। वो हिरणी गर्भवती थी और उसका बच्चा गर्भ से निकलकर नदी में गिर गया। गर्भपात के दुख और अपने शावक द्वारा विलय के कारण उसे हिरणी की मृत्यु हो गई। नदी के तट पर बैठे भरत महाराज यह सब कुछ देख रहे थे तो वे उस करुणावश में उस हिरण के बच्चे को नदी से उठाकर ले आए। उन्होंने सोचा कि मेरे अतिरिक्त इसका और कोई नहीं है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। फिर धीरे धीरे वे उस हिरण से आसक्त हो गए और उसका पालन पोषण करने लगे। वे उसको नहलाते, उसके खाने के लिए घास लाते और उसको अपने साथ और उसके साथ ही सोते कि कोई हिंसक प्राणी उसे मार ना दे। उसको अपने कंधों पर बिठाते। फिर धीरे धीरे भरत महाराज का भजन से भी ध्यान हटने लगा। फिर एक दिन सूर्य अस्त होने को जा रहा था। आश्रम के चारों ओर ढूंढने पर भी वे हिरण का बच्चा नहीं मिला। वे उसको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं लेकिन वे कहीं भी नहीं मिल रहा। वे सोच रहे हैं कि वो हिरण मुझे कितना प्रिय था, ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पुत्र को ही खो दिया हो। फिर चलते चलते अंधेरे में वो एक पहाड़ी से नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मृत्यु के समय हिरण का स्मरण किया, इसलिए उन्हें अगला जन्म हिरण का ही मिला। अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण हिरण बनने पर भी उन्हें अपना पिछला जन्म याद था और वे सोचने लगे कि मैं कितना बड़ा भक्त था। मैं अपना राज्य, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर वन में भजन करने के लिए आ गया, लेकिन एक हिरण से आसक्ति के कारण मेरा भजन से ध्यान हट गया। इसमें किसी का दोष नहीं है, केवल मेरा ही दोष है। इसलिए कि बाकी हिरणों के साथ न रहकर जहाँ पहले ये भजन किया करते थे उसी आश्रम के निकट रहने लगे। वे प्रतिदिन स्नान करके और केवल सूखी घास ही खाते थे। फिर कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु का समय आ गया और हिरण बनने पर भी वे मृत्यु के समय भगवान से उच्च स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, आप परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर ही यह शरीर त्यागना चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी भक्ति में सदा नियुक्त हो जाऊँ। फिर इनका अगला जन्म अर्थात तीसरे जन्म में इनको मनुष्य शरीर मिला और इनका नाम हुआ भरत। इनको अपने पिछले दोनों जन्म याद थे, इसलिए इन्होंने निश्चय लिया कि मैं किसी से व्यर्थ की बात नहीं करूँगा और एक भी क्षण नष्ट नहीं करूँगा। इसलिए यह मानसिक पागलों जैसा
अर्थात अधिक उनके बहरा जैसा व्यवहार करते, इनको पागल समझने के कारण लोग इनको जड़ भरत बुलाने लगे। जड़ अर्थात मूर्ख, इनके भाई भी इनको मूर्ख समझने लगे। इनके पिता इनको गायत्री मंत्र सिखाने की कोशिश करते, लेकिन जड़ भरत 4 महीने बाद भी जान पूछ कर कुछ नहीं सीखते। हार कर इनके पिता ने इनको कुछ सिखाने का प्रयास नहीं किया। इन पिता की मृत्यु के बाद इनके भाई इनसे दुर्व्यवहार करने लगे, इनसे खेतों में काम करवाते और कुछ बचा कुचा ही भोजन देते। रात्रि में कोई जंगली पशु इनके खेतों को हानि न पहुंचाए, इसलिए ये उनसे खेतों की सुरक्षा करवाते। एक समय रात्रि में कुछ डाकुओं के समूह ने इन्हें पकड़ लिया। वे भद्रकाली को किसी बलि चढ़ाने के लिए किसी बलवान व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। तो ये इनके शरीर से बहुत बलिष्ठ थे, तो ये इनको भद्रकाली के मंदिर में ले गए। इनकी बलि चढ़ाने से पहले उन्होंने इनको स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, फूलों की माला पहनाई, भोजन करवाया। फिर जैसे ही डाकू के पुरोहित ने तलवार निकाली, तो भद्रकाली यह सब सहन नहीं कर पाई और उसकी मूर्ति कट गई और तलवार से अपने सेवकों का ही गला काट दिया। जड़ भरत जी भगवान के भक्त थे, इसलिए भद्रकाली की भी हिम्मत न रही कि वे उनकी बलि स्वीकार कर सके। इनके जीवन की एक और घटना थी। एक समय एक राजा थे जिनका नाम था महाराज रघुगढ़। वे कपिल मुनि का दर्शन करने के लिए पालकी में बैठकर उनके आश्रम की ओर जा रहे थे। बाद में उनको एक नदी पार करनी थी और नदी पार करने के लिए एक और व्यक्ति चाहिए था, तो उनके सेवकों की दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ी। वे जड़ भरत जी से बोले कि इधर आओ, पालकी उठाओ और नदी पार कराओ। फिर जड़ भरत जी बिना कुछ बोले पालकी उठाए और चल दिए। बाद में वहाँ बहुत सारी चिड़िया थी, इसलिए वे कभी इधर पैर रखते कभी इधर पैर रखते। फिर पास भीतर बैठे महाराज रघुगढ़ को क्रोध आ गया और वे अपने सेवकों से बोले, क्या कर रहे हो, ठीक से चलो। उनके सेवक बोले कि महाराज, ये जो नया व्यक्ति आया है यही पालकी हिला रहा है। फिर महाराज रघुगढ़ जड़ भरत जी से बोले, मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि डांट के बोलो क्या करते हो, ठीक से चलाओ पालकी, ठीक से चलाओ। मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि मैं तेरा स्वामी हूँ, इस बात के लिए मैं तुझे दंड भी दे सकता हूँ। हाँ। जड़ भरत जी ने पहली बार किसी से बोलने के लिए अपना मुख खोला। वे बोले कि आप ठीक ही कह रहे हैं कि मैंने आपकी पालकी चलाने का ठीक से परिश्रम नहीं किया है। वास्तव में यह पालकी मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरा शरीर चला रहा है और मैं यह शरीर नहीं हूँ। आप राजा हैं और आप मुझे आदेश देंगे, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। हो सकता है कि अगले जन्म में इसका उल्टा हो जाए, तो कौन स्वामी कौन दास। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। फिर जड़ भरत जी अपने विषय में बताने लगे कि मैं पूर्व जन्म में भरत राजा था, लेकिन एक हिरण की आसक्ति के कारण मुझे अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। रघुगनई तब तप सार डाल आती न चिज्या निर्म प्रणाम गृहवा न छंदसा नयम जलाग्नि सूर्य बिना महत पान रजो अभिषेकम। हे राजा रघुगण, जब तक किसी को महान भक्तों के चरणों की धूल पूरे शरीर पर लेपन करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक वह परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने से गृहस्थ जीवन के नियमों का
पालन करने से, वानप्रस्थ रूप में गृह त्याग करने से, संन्यास लेने से, सर्दियों में स्वयं को पानी में डुबोकर, गर्मियों में स्वयं को आग से घेर कर तपस्या करने से कोई परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परम सत्य को केवल वही प्राप्त कर सकता है जो जिसे भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए। यह सुनकर महाराज रघुवर पालकी से उतर गए। वे गिरकर जड़ भरत जी के चरणों में प्रणाम करने लगे और बोले कि क्या आप कोई विद्वान ब्राह्मण है या आप कोई संत है? क्या आप केवल यहाँ हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि आप कपिल देव के प्रतिनिधि बनकर इस संसार में मानव जाति का कल्याण करने आए हैं। इसी प्रकार भगवद गीता के श्लोक यम वापि स्मरण भाव त्यजति अन्ते कले वरम तब तब एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। मनुष्य मृत्यु के समय जिसका स्मरण करता है वह अगले जन्म में उसी गति को प्राप्त करता है। इस बात को हमने दो उदाहरणों से समझा, पहला पुरंजन, दूसरा भरत महाराज। यही क्या कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाचा कल्पत को बेचता कृपा सिंधु भगवद्गीता का श्लोक ना एक और श्लोक इस उदाहरण को स्पष्ट करता है। कौन सा श्लोक? कौन्तेय प्रतिज्ञा क्षिप्र भक्ति धर्मात्मा शिखा भक्ति धर्मात्मा शाश्वत छाते भी गच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे मत प्रणश्यति। मतलब ये किसी भक्ति का कभी नाश नहीं होता, ये भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। जैसे चित्रकेतु महाराज अगले जन्म में वृत्रासुर बने लेकिन फिर भी उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ। और जैसे भरत जी जैसे भरत जी हिरण बने लेकिन फिर भी उनको अपना पूर्व जन्म याद जब भरत बने तब उनको अपने दोनों जन्म स्मरण किया। हरे हरे कृष्ण माधव प्रभु की जय। Thank you.
Thank you.
भागवत महापुराण की जिस प्रकार कन्हैया ने श्री गोवर्धन लीला को संपन्न किया, जिसमें बहुत प्रकार के भावों का आदान प्रदान हुआ, ऐसे ही ब्रज लीला में ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, असुरों का वध किया गया। कंस के द्वारा कितने असुरों को भेजा गया, पूतना शक्टासुर तिरनाव्रत अगासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर, जितने असुरों को भेजा गया सब के सब लौट कर मथुरा में नहीं आए, वही कन्हैया के हाथ से मारे गए। परंतु ये असुर मारन लीला ये कृष्ण का अभिष्ट नहीं है, ये तो विष्णु द्वारा कृष्ण करे असुर संहार। जब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं तो सारे जितने अवतार वे सारे अवतार भी भगवान के अंदर प्रवेश करते हैं। असुर मारने का काम ये विष्णु का है, कृष्ण का नहीं। तो फिर ठाकुर जी का क्या क्रिया है? दूसरी ओर जो माखन चोरी लीला करना, वस्त्र हरण लीला करना, कालिया के हृदय पे नृत्य करना, गोवर्धन धारण करना, राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण करना, और इन सभी लीलाओं में सबसे बड़ी है रास लीला। ये सारी लीलाओं का प्रयोजन रास लीला है, जो कि कोई साधारण बालक नहीं कर रहा। श्री सुखदेव जी रास लीला के आरंभ में ही कह दिए, ये कोई साधारण बालक ये लीला नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा है? बोलते भगवान अपिता रात्रि शर्र फुल मल्लिका विक्ष रंते मनस्चक्रे योग माया उपाशिता, ये भगवान कर रहे हैं। और किसके साथ कर रहे हैं? बोलते अपनी ही अंतरंग शक्ति राधा जी के साथ, और उन्हीं राधा जी के प्रकाश उन समस्त ब्रज गोपियों के साथ ये रास कर रहे हैं। ये तो भागवत जी का प्रथम श्लोक, अभी इस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि रास लीला अगर आरंभ हो गई तो रात यही हो जानी आज, और सबको जाकर दिवाली मनानी है। भगवान अपिता रात्रि, एक रात तक रास हुआ। एक रात ही हमारी जैसी रात नहीं, सब लोग प्रसाद पाकर यहां से जाते हैं, घर पहुंचते पहुंचते 11 बजते हैं, और फिर जो सोते हैं तो सीधा सुबह ही आंख खुलती है। एक रात यूं बीत गई, लेकिन श्याम सुंदर की वो जो रास की रात है वो ब्रह्मा जी की एक रात है। हमारे जैसे ये छोटी एक रात नहीं, ब्रह्मा जी की एक रात। और मैंने उस दिन कह दिया था ब्रह्मा जी की एक रात कितनी बड़ी होती है, युग युग बीत जाते हैं तो सारी रात रास ही करते रहे क्या? गोवर्धन धारण लीला में 7 दिन 7 रात तक नहीं खाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और 7 दिन सोए भी नहीं। लेकिन गोवर्धन धारण लीला से भी श्रेष्ठ श्री रास लीला की एक रात तक पूरा रास हुआ, वो भी ब्रह्मा जी की एक रात तक। क्या खाए पिए और क्या सोए, कैसे पॉसिबल है ये? जहां पर 4 युग 71 बार बीत जाए तो 1 मन्वंतर, और 14 मन्वंतर बीते तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। कैसे ये नित्य कर रहे हैं भाई?
थके भी नहीं, भूख भी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही। इसलिए लीला को कहा गया अचिंतनीय, चिंता से बाहर, चिंता से परे, जिसको हम कंसीव नहीं कर सकते, जिसको हम चिंता नहीं कर सकते। एक रात तक रास हुआ और फिर इसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ। राधा जी के साथ श्री कृष्ण बीच में रास कर रहे हैं और चारों ओर समस्त गोपियां कृष्ण के साथ रास कर रही हैं। सारे देवता फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह कि देवताओं को राधा जी नहीं दिख रही। देवताओं को बस कृष्ण दिख रहे हैं। 475 का नंबर है जिसकी भी व्हाइट कलर की गाड़ी थी, बारिश के कारण जाम लग रहा है। 475 व्हाइट कलर की गाड़ी है, शायद होंडा की गाड़ी है। हरे कृष्ण। किसकी गाड़ी है भाई? आप लोगों को अपनी गाड़ियों का नंबर पता है? नहीं तो बाहर जाके चेक कर लो किसी की खड़ी है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, नहीं तो फिर हम मठ में रख लेंगे। अच्छा, हमारी नहीं है, किसी और की होगी। तो क्या कह रहा था मैं? 47 नहीं, एक रात तक रास हुआ। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक, और भागवत जी का अंत कहां होता है? सॉरी, रासलीला का अंतिम श्लोक क्या है? सुखदेव जी आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो इस रासलीला को श्री कृष्ण के द्वारा, गोपियों के द्वारा ये रासलीला को जो श्रवण करता है उसको एक आशीर्वाद मिला है। क्या आशीर्वाद मिला? विक्रमृतम व्रजम इदम इतम वजम इदम तो विष्णु श्रद्धान्य तो अनुशून्य अथा वर्णेन्वा भक्ति परम भवति प्रतिलभ्य कामा हृदय रोग विष्णुति अचरेण धीरा। जो भी कोई व्यक्ति श्री गोपियों के साथ श्री कृष्ण की इस लीला को, कौन सी लीला? रास लीला को श्रवण करता है। कैसे? अनुशून्यात अथवा वर्णेन्वा, धीर होकर गुरुजनों से श्रवण करता है और फिर इसका कथन भी वर्णन भी करता है। तो भक्ति परम भक्ति प्रतिलंब कामा, पहले उसके हृदय में प्रेम भक्ति आएगी और फिर जितने भी अनर्थ हैं उन अनर्थों में भी जो सबसे बड़ा जो काम है वो चला जाएगा, लेकिन पहले क्या आएगी? प्रेम भक्ति आएगी। कुछ लोग सोचते हैं पहले अपराध जाएंगे तो प्रेम भक्ति आएगी। गुरुदेव जी कहते थे नहीं, गुरुदेव कहते हैं पहले प्रेम भक्ति आएगी फिर धीरे धीरे अनर्थ जाएंगे। तो चेष्टा करेंगे तो उस प्रेम भक्ति की उपलब्धि के लिए, जिसके आंशिक स्वरूप सेकेंडरी ये सारे अनर्थ जाएंगे, काम क्रोध इत्यादि। श्रीनोत्तम ठाकुर जी ने भी कहा, प्रेम भक्ति जा हयते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और फिर अविद्या जाएगी। जैसे कमरे में अंधेरा है, उसमें एक दीपक जलाया गया, तो जैसे दीपक जला अंधकार दूर हो गया, उजाला होने से अंधकार दूर हो गया। जैसे सुखदेव जी कहते हैं, केचित कवल्य भक्तया वासुदेव प्रायणम अगम धनवंति कार से निहार एव भास्कर। जैसे सूर्य उदय होते हैं तो अपने आप ही कोहरा छड़ जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, अलग से नहीं करना पड़ता। दीपक चलाने से अपने आप ही अंधकार दूर हो जाता है। भागवत जी की तुलना भी सूर्य से की गई, दीपक से की गई,
अमृत से की गई, एक फल से की गई, भागवत जी की तुलना हमको समझाने के लिए। कृष्ण स्वधाम उपगतते धर्म ज्ञान सह कलो नष्टम दृष्टामेष्टम पुराण आर कौनंतः। 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी से गए तो अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत जी में, मतलब अपने ही स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को यहाँ पर छोड़ दिए। ये श्रीमद् भागवत जी को जो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, कृष्ण के समान है ये बोलना भी ठीक नहीं है। भागवत जी कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है, कोई सम्मान है नहीं, ऐसा नहीं कहना। जैसे कि हरि नाम जो है वो भगवान के बराबर है, ये बोलने से थोड़ी सी इसकी महिमा कम हो जाती है। अभिनत्व नाम नामनी, हरि नाम भगवान ही है ये कहना चाहिए। भागवत जी कृष्ण ही हैं, भी हैं ये नहीं कहो, ही हैं यही कहो। भी और ही में बड़ा अंतर आ जाता है। भागवत ही श्री कृष्ण ही हैं ये कहना चाहिए। तो उन भागवत जी की तुलना सूर्य के साथ की गई। जब सूर्य उदय होते हैं तो अपने आप ही कोहरा अंधकार छट जाता है। ऐसे जिसके हृदय में भागवत जी का उदय होता है वो अनर्थों का कोहरा और अंधकार, वो अविद्या का अंधकार, वो अज्ञान का अंधकार उस शलाका के द्वारा दूरीभूत हो जाता है, वो चला जाता है। भागवत जी की तुलना एक दीपक से भी की गई। कस्मिन् ये विभासितम् तुरे ज्ञान प्रदीप पुरः तद् रूपेण नारगुण्यो कृष्ण तद् रूपेण तद् विमलम् अशोकमृतम् सत्यम् परम धीमहि। भागवत जी में दो स्थान पर सत्यम् परम धीमहि कहा गया, एक आरंभ में एक अंत में। कस्मिन् ये विभासितम् तुरे ज्ञान प्रदीप पुरः, भागवत जी की तुलना एक प्रदीप से भी की गई। दीप नहीं प्रदीप, अब कल दिवाली है ना, सब घर में दीपक जलाएंगे, लेकिन एक होता है मुख्य दीपक जो मंदिर में जलाया जाता है, पूजा होती है, उसी से फिर 1000 दीपक जलाकर पूरे घर में मंदिरों को सजाया जाता है, होता है ना। प्रदीप का मतलब क्या, दीपक किस लिए जलाया जाता है? लाइटें तो बहुत जल रही हैं, तो दीपक जलाने से क्या अंतर हो जाएगा? अच्छा, दीपक की भी यही महानता है, विशेषता है। दोपहर के 12 बजे दीपक जलाए जाए और बाहर रख दिया जाए, उसकी कोई महिमा है? फीका लगता है, फेडेड, नो इम्पोर्टेंस। जलाए भी क्यों, ये भी सोचना पड़ता है, क्या बात है भाई, कोई टोटका किया होगा। कहीं दीपक जलाकर चौक में रख दो 12 बजे, देखो ना ट्रैफिक इधर उधर हो गया अपने आप ही, और तुम्हारी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। एक दीपक बीच में चौराहे में, थोड़े से चावल रख दो, थोड़ी सी हल्दी रख दो, चौराहे एकदम साफ, और अपनी गाड़ी आराम से निकाल दो, है ना। जाम में फंस जाओ तो घर से एक सामान लेके जाओ, तुरंत गाड़ी से निकलो, एक दीपक जलाओ, चारों तरफ चावल रख दो, कोई गाड़ी निकलेगी नहीं वहां से। ये टोटका बताया, उस दीपक की महिमा अंधकार की है। उस अंधकार में जब दीपक जलता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। चारों ओर उजाला ही उजाला हो जाता है। देखो वेदांत ने एक बात कही है, घट पट और रज्जु, ये वेदांत की बात है, थोड़ा सा कठिन है।
उदाहरण दिया गया, घट मतलब घड़ा, पट मतलब वस्त्र, और तीसरा उदाहरण किया रज्जु, रस्सी। रज्जु का सर्प के साथ, घट का पट के साथ, ऐसे उदाहरण दिया गया। और कन्हैया ने इन तीनों को ही व्यवहार में लाकर अपनी लीला को किया। घट को तो तोड़ा, पट वस्त्रों का तो हरण किया, और रज्जु में तो बंध गए। वेदांत कभी बड़ी गहरी फिलॉसफी सुनेंगे तो ये उदाहरण दिए जाते हैं, घट पट और रज्जु। और श्याम सुंदर ने इन तीनों को ही लेकर अपनी प्रतिष्ठा की, अपनी लीलाओं की प्रतिष्ठा की। घट को तोड़ा, पट का वस्त्रों का हरण किया, और रज्जु में बंध गए। इसलिए भागवत जी की तुलना दीपक से की गई, और भागवत जी की तुलना एक फल से की गई। फलों का राजा आम, निगम कल्तरुम गलितम फलम। फल मतलब सार है, सारे वेदों का सार, उपनिषदों, पुराणों का, सबका सार श्रीमद् भागवत जी। और भागवत जी की तुलना की गई अमृत से। श्री मौनी भगवान ने देवताओं को तो अमृत पिलाया, लेकिन असुरों को वंचित कर दिया। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी का भी एक मोहनी स्वरूप है, जो भक्तों को तो कथा अमृत मिलाती है, और जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनको वंचित कर देती है। वंचना बहुत प्रकार की है, समझ आ रही बात? थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वंचना बहुत प्रकार की होती है। कैसी होती? वंचना का मतलब समझते हैं, इग्नोरिंग, नेग्लेक्टिंग। आप किसी से बात मत करो, ये तो एक वंचना हो गई। लेकिन भागवत जी को आश्रय लेकर हम यदि इनसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा करें, धन प्राप्ति की इच्छा करें, सुख शांति लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करें, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा करें, ये वंचना है। तो श्रीमद् भागवत जी का जो मोहनी स्वरूप है वो वंचना करता है। लेकिन मोहनी भगवान अमृत पिलाती है देवताओं को। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी जो वैष्णव हैं उनको तो अमृत पिलाती है। कौन सा अमृत? कृष्ण लीला अमृत, कथामृत। और जो इसका पान कर लेता है, या फिर जो इसका पान कर रहा है, कृष्ण लीला का पूर्ण रूप से पान कौन करता है? कृष्ण कथा का पूर्ण रूप से पान कौन करता है? वो तो ब्रजवासी करते हैं, ये पूर्ण रूप से कृष्ण लीला का पान करते हैं ब्रजवासी। और जैसे ही जो पूर्ण रूप से कृष्ण लीला का पान करते हैं, तो आप दो चार दिन से श्लोक सुन रहे हो, यस्य वैष्णव माया नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंसम शोक मोह भय पया। आता है किसी को श्लोक? आता है ये वाला? मतलब पता है? मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं। यस्य वैष्णव माया नाम, जो भगवान की कथा सुनता है तो क्या होता है? सब शोक दूर हो जाता है। ध्यान से सुनना, सब मोह दूर हो जाता है और भय दूर हो जाता है। ये क्या मतलब? ये ऐसा कोई कवच है जिसको पहनने से भूत प्रेत चले जाते हैं? तो क्या शोक रहेगा ही नहीं? क्या भय रहेगा? नहीं रहेगा, लेकिन आपको प्रतीति नहीं होगी। आप ये नहीं सोचना मैंने माला करनी शुरू कर दी
तो अब दुख दुख और कष्ट आएंगे नहीं, आते कि नहीं आते? तो फिर कहेंगे क्यों करें जी, फिर माला क्यों करें, एकादशी का व्रत क्यों करें? अरे भाई, जब आप वर्षा के दिनों में बाहर निकलते हो, जब आप छाता खोलते हो, तो इसका मतलब ये नहीं छाता खोलते ही बादल छट जाएंगे, वर्षा रुक जाएगी। आपकी छतरी में इतना बल है, बाहर जाते ही काली छतरी खोली और बादल छट गए, वर्षा रुक गई, ऐसा होता है? वर्षा तो आती रहेगी, लेकिन छाता खोलने से क्या होगा? हाँ, भीगने से बच जाएंगे, फिर भी थोड़ी बहुत छींटे तो पड़ेंगी, लेकिन पूरा तो नहीं गीला होंगे। उसी प्रकार भागवत श्रवण करने से, एकादशी व्रत हरिनाम करने से ये कवच का काम करती है, ये छाता खोलने का काम करती है, जिससे दुख कष्ट तो दुख वाले संसार में तो दुख तो आएगा ही, लेकिन आप वो कवच पहनकर उस दुख को दूर हो जाओगे। भगवान की कथा सुनने से शोक मोह और भय ये मतलब दूर हो जाएगा, ये तो रहेगा, इसका अस्तित्व तो है, लेकिन हमको इसकी प्रतीति नहीं होगी, ये अंतर है। जैसे एक साधारण लोग सब समय शोक में पड़े रहते हैं, मोह में पड़े रहते हैं, और सब समय एक भय लगा रहता है, भगवान की कथा सुनने से इतनी समझ आ जाती है। ये अच्छा हो गया आज भागवत जी का समापन है, कल समापन होता तो फिर कीर्तन ही होता, कथा तो हो नहीं पाती। क्यों? पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है कितना। तो शोक मोह और भय तो रहेंगे, मगर उसकी प्रतीति नहीं होगी। जैसे एक व्यक्ति मदिरा पान करता है और पीते 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 एकदम बस गिर पड़ता है, उस गिरने के बाद उसको होश रहती है, कोई उस पर पानी डाले, कोई इस पर कुछ भी डाले, उसको होश होती है? कुछ होश नहीं होती। क्यों? बेहोश पड़ा है, बेहोश। उसी प्रकार कथा सुनते 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 एक ऐसी स्थिति आती है, उस कथा में ऐसा पूरा मन निवेश हो जाता है पूरा, कि कुछ भी हो रहा होता है उसका ज्ञान नहीं होता, प्रतीति नहीं होती। वो स्थिति आती है लेकिन प्रतीति नहीं होती। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तत्व सिद्धांत ना लोग कम पसंद करते हैं। कोई अभी अच्छी सी कथा सुनाऊंगा, लीला सुनाऊंगा, तो सबको बड़ा आनंद आएगा। आप लोगों ने तुकाराम जी का नाम सुना? सुना तुकाराम जी का नाम? कौन कौन सुने? महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत तुकाराम जी, और सब समय क्या गाते हैं? विठ्ठल 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 विठ्ठल। ठाकुर जी का नाम विठ्ठल है, लेकिन ये विठ्ठल नहीं गाते, ये क्या गाते हैं बता सकते हैं? पांडुरंगा 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 पांडुरंगा, ठाकुर जी का नाम है मराठी भाषा में। विठ्ठल नाथ जी का दर्शन महाराष्ट्र में बड़े पावरफुल, बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं, जो एक ईंट के ऊपर खड़े हैं और हाथ ऐसे करके, पंडरपुर में विठ्ठल नाथ जी। तो इतने बड़े संत हुए तुकाराम जी, और सब समय अपने ठाकुर जी का नाम गान करते, हाथ में एक बीना लेकर, पांडुरंगा पांडुरंगा। पत्नी भी रहे साथ में, बच्चे भी हैं, और बड़े निर्धन हैं, बड़े निर्धन हैं। अच्छा, निर्धन किसको कहा जाता है? जिसके पास धन नहीं है,
सीधी सीधी बात है भाई, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है तो निर्धन हुआ ना, हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। और वास्तविक धन क्या है? मीरा जी ने क्या कहा? पायम जी मैंने, सुदामा जी के संबंध में भी कहा जाता है कि निर्धन ब्राह्मण, तुकाराम जी के संबंध में भी कहा निर्धन ब्राह्मण, इनके पास एक ऐसा धन है जो धन प्राप्त करने के लिए सारा साधु समाज तड़पता है, लोग नहीं तड़पते, लोग दूसरे धन के लिए तड़पते हैं। इसलिए कल लक्ष्मी पूजन होगा, लक्ष्मी जी आ जाओ, लक्ष्मी जी आ जाओ, लक्ष्मी जी आ जाओ। माता पिता को एक कथा सुनाते हैं, 30 साल से सुनता आ रहा हूं उनसे, एज इट इज वही 30 साल से सुनी बिल्कुल वैसी की वैसी। बोलते ये जो लक्ष्मी है, ये कौन सी लक्ष्मी है? ये चंचला लक्ष्मी है। इनका वाहन क्या है? कौन सा? कल उल्लू देखेंगे बहुत सारे। इसका स्वभाव ही चंचल है, सभी इसी लक्ष्मी को बुलाते हैं। और ये क्या करती है? आती है, थोड़े दिन बैठेगी, फिर उल्लू बनाकर चली जाएगी किसी और के पास। कोई महालक्ष्मी जी को नहीं बुलाता, इन्हीं लक्ष्मी को बुलाता है। ये चंचल है, ये कभी स्थाई नहीं है। आएगी थोड़े दिन सुख देगी, फिर थोड़े दिन दुख होएगा, फिर सुख होगा, ये परस्पर चलता रहेगा। लेकिन महालक्ष्मी जी को बुलाया जाएगा, उनका वाहन गरुड़ है, उनका वाहन उल्लू नहीं है। और वो अकेली नहीं आती, अपने स्वामी श्री नारायण के साथ आती है। बुलाना है, आह्वान करना है तो माँ लक्ष्मी जी को बुलाओ। और उन माँ लक्ष्मी की भी जो कारण है, जो जहां से माँ लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई हैं, वो कौन है? सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति समोनी बरहा, वो है राधा जी। राधा जी से ही समस्त लक्ष्मियों का प्राकट्य होता है। लक्ष्मी एक नहीं है, जितने वैकुंठ हैं, जितने भगवान के अवतार हैं, सबके साथ उनकी सेवा करने के लिए उनकी लक्ष्मी जी हैं। तो एक लक्ष्मी नहीं, जितने अवतार सब लक्ष्मी उनके साथ हैं। लेकिन ये अवतार सब निकले कृष्ण से, भगवान से प्रकट हुए। और राधा जी ने भी अपने उतने ही प्रकार प्रकट कर दिए उन सब अवतारों की सेवा करने के लिए। इसलिए राधा जी का एक नाम हुआ, क्या नाम हुआ? सर्व लक्ष्मीमयी। इसलिए ये हुआ, क्या क्या बोल रहा था ये तो बोला, उससे पहले क्या बोला? तुम लोग समझ नहीं पाते मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रसंग कहाँ से उठाइए, बताया करो, दिमाग पे जोर लगाओ। देखा, ये एक ऑडियंस है लंदन वाला, ये सही समझते हैं। धन की बात बोल रहा था, अरे सबको धन चाहिए भाई। सुदामा जी निर्धन नहीं है, उनके पास सबसे बड़ा धन है, वो धन है भगवान का नाम। तुकाराम जी उस धन में धनी, गृहस्थ आश्रम में है। सुदामा जी भी गृहस्थ आश्रम में है, ये दोनों सन्यासी हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन इनके पास है। तुकाराम जी पांडुरंगा 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 ये सब गाते हैं, लेकिन पत्नी कैसी विरोध करती है। बोलते क्या सब समय पांडुरंगा पांडुरंगा लगा रखा है, काम कुछ करते नहीं, निठल्ले बड़े रहते हो। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहे,
कुछ लोग इनके पास आकर पद भी सुनते हैं, जो सुंदर सुंदर भजन गाते थे ना, कैसे भजन आ गए इनके पास। जो भक्त होता है वो कवि होता है, भक्तों के गुणों में गुण है वो कवि होता है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा, आदि कवे मोहयंति यस सूर्य, आदि कवि कौन, श्री ब्रह्मा जी के संबंध में कहा गया, आदि कवि श्री सुखदेव जी के संबंध में भी कहा गया, श्री रूप गोस्वामी जी के संबंध में भी कहा गया। भक्तों के अंदर ये स्वभाव अपने आप स्वतः ही आ जाता है, वो कवि हो जाते हैं, लेकिन इधर उधर अपनी कवितें सुनाने नहीं बैठते। उनके हृदय में स्वतः ही ये भावों का संचारण होता है और वो सुंदर सुंदर पद गाते हैं। तुकाराम जी जब गाते हैं तो बहुत व्यक्ति आकर उनके निकट उनकी प्रशंसा करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हैं और नहीं, वहां पर हैं लेकिन मन इंद्रियों से है ही नहीं, अपने ठाकुर जी के नाम में पूर्ण रूप से पूर्ण चिंता में पड़े हुए हैं। किसी प्रकार का शोक नहीं, मोह नहीं और भय नहीं। शोक इस बात का कि मैं कुछ काम नहीं करता, अपने घर परिवार से कोई मोह नहीं, और कल क्या खाने को मिलेगा उसका भय नहीं, लेकिन पत्नी को है। सारा दिन गाते रहते हो, कैसे चलेगा परिवार, बच्चे हैं, बहुत प्रकार की लांछनाएं भी सहन करनी पड़ती है, सहन करो, ठाकुर जी कहते हैं सहन करो। और यही बात श्री कृष्ण कहते उस साधक से जो भाव अवस्था में पहुंच जाता है, श्री माधुरी कदमनी में विष्णु चकुर ठाकुर जी बता रहे हैं, वो साधक जब भाव स्थिति में पहुंचता है तो जब श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं तो गले लगाते आलिंगन करते हैं, जब उस समय भगवान एक बात कहते हैं अपने भक्त से, एक तो कहते हैं देखो मैं कब से तेरी राह देख रहा था, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तू मुझसे विमुख था, आज मिला है इतने जन्मों के बाद। जैसे गोप कुमार श्री कृष्ण से मिले, भगवान ने यही बात कही, इतने जन्मों के बाद आज तू मुझको मिला, मैं कब से तेरी राह देख रहा था, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय होता है एक भक्त का भगवान के साथ मिलन, विचार करो कैसा सुंदर मिलन होगा, वो कैसा सुंदर मिलन होगा। वो ठाकुर जी भी रोते हैं, भक्त भी रोता है, दोनों रोते हैं। उस समय भगवान अपने मुख से एक बात कहते हैं, हे भक्त तूने मेरे लिए क्या क्या सहन नहीं किया, गर्मी सर्दी वर्षा, लोगों की लांछनाएं, समाज के गालियां, तुमको तिरस्कृत किया गया, तुमको धिक्कार दिया गया, तुम पे लांछनाएं लगाई गई, लेकिन सब कुछ तुमने सहन किया, किसके लिए, मेरे लिए, तूने मेरे लिए इतना सहन किया, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं तुझको क्या दूं। भगवान रोते रोते ये बात कहते हैं। उस समय साधक भी एक बात कहता है, वो भक्त भगवान के आंसू पहुंचता है और भगवान उस भक्त के आंसू पहुंचते हैं। भक्त कहता है प्रभु मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया। भगवान कह रहे तूने मेरे लिए इतना कुछ सहन किया, सारी अशक्तियों को त्याग दिया, सारा मोह त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया और कुछ कितना कुछ सहन किया। भक्त कहते नहीं मैंने अपराध किया, मैंने आपके चरणों में अपराध किया। बोलते क्या अपराध किया, क्या अपराध किया तूने मेरा। बोलते जब मैं आपकी कथा का वर्णन करता था तो कहता था आपके नेत्र कमल के समान है, आपका मुख कमल के समान है, आपके चरण कमल के समान है, आपके हस्त कमल के समान है, आपका नाभि कमल के समान है, लेकिन जब मैं अब आपका दर्शन कर रहा हूं, हाय मैंने कितना बड़ा अपराध किया,
आपके इतने सुंदर रूप की तुलना मैंने एक साधारण एक तुच्छ कमल से कर दी। कमल तो कुछ भी नहीं है, फीका है इस रूप के सामने, इस तेज के सामने। हाय मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। और भगवान पर पकड़ के फिर कस के और गले लगा लेते हैं। ऐसा एक सुंदर मिलाप होता है वहां पर। वो कब होगा हमारा पता नहीं, कौन से जन्म में होगा पता नहीं, प्रतीक्षा में, वेटिंग लिस्ट में। देरी हमारी तरफ से है, भगवान की तरफ से नहीं है। इस देरी को ब्रिज करने के लिए, मतलब इसको समाप्त करने के लिए, यस्य वैष्णवाय नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पत्ति पुंसा। भगवान की कथा निरंतर मैं सुनती पड़ेगी तो पहले भक्ति उत्पत्ति पुंसम। पुंसम का मतलब होता है पुरुष नहीं, स्त्री, मतलब पुरुष स्त्री सभी जीव। पहले भक्ति का आविर्भाव होगा, फिर शोक मोह भय पया, फिर शोक भी जाएगा, मोह भी जाएगा और भय भी जाएगा। भक्तों को इन शोक मोह और भय से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो उस शून्य नाम, वो उस नाम में और उस कथा में सब समय रत रहने वाले हैं। यही उनका संबल है, यही उनका बल है, यही उनका कवच है, यही उनकी भावना है, यही उनका प्रेम है, यही उनकी शरणागति है, यही उनका आत्मनिवेदन है, यही उनका सर्वस्व है, यही उनका जीवन है, यही उनका प्रियतम है, सब कुछ यही है। फिर इसलिए अच्छा ही होता है समाज तिरस्कृत कर दे, अच्छा ही होता है कि कोई रिश्तेदार बुलाता नहीं, अच्छा ही होता है कोई उसका मित्र होता नहीं। फालतू में समय खराब करना पड़ेगा, दिवाली देनी पड़ेगी, है ना? वो दिवाली का गिफ्ट कोई भावना से दिया जाता है? हाँ, एक दो को भावना से दिया जाता है, नहीं तो अरे देना ही पड़ता है, समाज है ना। वो भी क्या, पांच छह घरों से जो गिफ्ट आया होता है उसे वही सर्कुलेट होता रहता है। ये तो अंदर की बात है। वो पांच सात घर से जो गिफ्ट आया उसको भी कहीं से आया, वो आगे पकड़ा देता है, ये उसको आगे पकड़ा देता है, और कभी भगवान ना करे वो ही वापस उसी घर में आ जाता है, सर्कुलेशन हो रहा है। है ना? इस संबंध में मैं विदेशों में एक बात कहता हूं इस बारे में, वहां तो क्रिसमस के लिए कहता हूं, यहां दिवाली के लिए समझ लो, क्योंकि जैसे हम दिवाली मनाते हैं एक महीने से, वहां क्रिसमस मनाते हैं वो लोग, उनके लिए बड़ा त्योहार है। मान लो दिवाली के दिन एक बड़ा सुंदर आपके पास एक मित्र ने मिठाई का डिब्बा दिया, इतना सुंदर कवर चढ़ा हुआ है, रिबन चढ़ा हुआ है, आहा मन करता है खोलो ही मत, और रख दिया एक शोपीस। भाई ड्राइंग रूम में रखा हो तो कितना अच्छा लगता है। अब रखा रहे रखा रहे रखा रहे, दिवाली बीत गई, कार्तिक मास बीत गया, घर में एक शादी थी किसी रिश्तेदार की वो भी बीत गया, 25 दिन के बाद अब डिब्बा खोलो। जब खोला तो अंदर जितनी मिठाई थी सब सड़ गई, अब खोलते ही हो गई दुर्गंधी। घर में रखोगे क्या करोगे? बाहर फेंक दिया कचरा में। और आपके पड़ोसी ने फोन कर दिया उस व्यक्ति को जो ये देकर गया था, देखो जी मैंने उस दिन देखा था ये आप ही लाए थे इतना सुंदर डिब्बा, इन्होंने तो ऐसे कैसी बाहर फेंक दिया, एक चीज भी उसमें निकाली नहीं। सुनकर कितना खराब लगेगा ना, 4,000 रुपए किलो की मिठाई खरीद के लाया, सोने का चांदी का वर्क लगा था, बड़े भावना से लाया, इन्होंने कचरे में फेंक दी, अगली बार दिवाली देने नहीं आऊंगी। मन खराब हो गया ना, ये होता क्या नहीं होता, हो जाता है ना दिवाली के दिन में। इस किस लिए कहा ये बात, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है,
बड़ा अच्छा इसके ऊपर। अब कुदेर के देखो तो अंदर गंदगी गंदगी है, लेकिन ऊपर इतना अच्छा पेंट है। अब ये दीवार भी कुरेद के देखो ना, अंदर क्या होगा, सरिया लोहा सीमेंट, लेकिन जब पेंट हो जाता है वाह क्या सुंदर पेंट है, सब चीज छिप जाती है अंदर। ऐसे ही बड़ा सुंदर शरीर है, कोई व्हाइट पेंट है, कोई डार्क पेंट है, अलग अलग कलर के पेंट है। और थोड़ा सा कुदेर दो यहाँ पर चाकू से, फिर देखो अंदर कैसा है, उसको ढकना पड़ जाता है, भद्दा लगता है, गंदा लगता है, लेकिन पेंट हो जाए तो इतना सुंदर गिफ्ट मिला। कहां से मिला? भगवान जी ने दिया मनुष्य शरीर का गिफ्ट, क्योंकि सुंदर है ना, इसको रैप खोला नहीं, इसका कवर खोला नहीं, और देखते 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 ये सड़ रहा है, गल रहा है, और करते करते क्या होगा, इसका उपयोग नहीं किया, मतलब उस गिफ्ट को खोलकर उसको खाया नहीं, इसका उपयोग नहीं किया तो फेंक दिया। भगवान कहेंगे अब दोबारा तो ये मनुष्य शरीर नहीं देता, ये गिफ्ट दोबारा नहीं मिलेगा। अब कुत्ता बिल्ली सुअर पक्षी मच्छर फिर यही बनते जाओ, क्योंकि इसका उपयोग नहीं किया। इसका उपयोग क्या है, क्या है इसका उपयोग? यस्य वैश्वानरायण नाम कृष्ण परम पुरुष, उन परम पुरुष श्री कृष्ण की गाथा को सुनना, और वो गाथा उनकी कथा को सुनकर भक्ति की प्राप्ति करना, जिस कारण से शोक मोह और भय दूर हो जाएगा। तुकाराम जी को कोई शोक मोह नहीं था, पत्नी को था। एक दिन बच्चे को हो गया बुखार बड़ा तेज, बीमार पड़ गया, ज्वर आ गया, एकदम गर्म हो रहा है, और ये बैठकर अपनी वीणा पर पांडुरंगा 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 पांडुरंगा, पत्नी आ गई, बस यही बोलते जाओगे और कोई काम नहीं है, बच्चा मर रहा है वहां पर, कौन ठीक करेगा उसको, चिल्ला रही है, और ये हंसते हुए कह रहे हैं पांडुरंगा करेगा, मेरा क्या चाहता है। अभी वो माधव कथा सुना रहा था ना, उसमें एक लाइन वो भूल गया, उनके भाइयों ने किनके, जड़ भरत जी के भाइयों ने खेतों में लगा दिया कि तू काम कुछ करता नहीं है, निठल्ला, कम से कम खेत में बैठ, चिड़ियां आती हैं सब चुप के चली जाती हैं, खेत में बैठा रहेगा ना, कुछ बोलता रहेगा तो चिड़िया नहीं आएंगी, कुछ तो काम कर, इनको जो जान लगा जाता वहीं पर बैठ जाते। जड़ भरत जी वहां बैठ गए, अब चिड़िया आकर चुग रही है, ये बड़े हंसकर कह रहे हैं राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरा क्या जाता है, मेरे बाप का क्या जाता है, खेत भी भगवान का चिड़िया भी भगवान की, मेरे बाप का क्या जाता है, चुपचाप बैठे। भाई शाम को आकर देखते सिर पे हाथ मारते, तेरा किसी काम का नहीं, जड़ है, बिल्कुल जड़ है। इसलिए तुकाराम जी कह रहे हैं पांडुरंगा करेगा, मेरा क्या चाह रहा है, जिसने दिया वो देखेगा। रक्षति थी विश्वासो, पूर्ण विश्वास भगवान ही करने वाले, हम लोगों को नहीं होता, भक्तों को होता है। द्रौपदी जी को पूरा विश्वास, पांडवों को पूरा विश्वास, प्रहलाद जी को पूर्ण विश्वास, अम्बरीश जी को पूर्ण विश्वास, ये हमारे आइडियल्स हैं। हमको नहीं होता, यही कमी है हमें, हम के अंदर, हमारे अंदर यही कमियां हैं, हमको ये विश्वास नहीं होता, भक्ति की कमी है। जितनी जितनी मात्रा में भक्ति जाएगी, बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी मात्रा में विश्वास होता चला जाएगा, उतनी उतनी मात्रा में। ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, मेरे को विश्वास पैदा करना है, ये पैदा करने के वाली बात नहीं है, ये विश्वास अभ्यास करने वाली बात नहीं है,
ये स्वतः होगा, अपने आप होगा। कैसे? यस्य वशोनमायना, भगवान की कथा सुनने से। यही उपाय है भक्ति का, और कोई उपाय नहीं है। कथा सुनते जाओ, मन है कि नहीं है, दिन है कि रात है, एकादशी है कि द्वादशी है, पूर्णिमा है कि अमावस्या है, सोमवार है कि रविवार है, सुनते जाओ, रोज ही सुनो। सुनी हुई है फिर सुनो। कब तक सुने? बोते रसमालयम। जब तक सुनते 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 मूर्छित ना हो जाओ तब तक सुनो। मूर्छित मतलब कमजोरी हो गई, बीमारी हो गई, वो वाली मूर्छा नहीं, भक्ति वाली मूर्छा। तब तक सुनते ही जाओ, इसकी एंडिंग नहीं है। तो पत्नी को आया इतना क्रोध, बीमार बच्चे को, एक छोटा सा बच्चा, ऐसे हाथ से पकड़कर घसीटकर अपने घर से लेकर मंदिर जहां पर विट्ठल नाथ जी विराजमान हैं, ऐसे घसीटकर ले गई पति की ये बात सुनकर कि पांडुरंगा करेंगे। पूरे सड़क पर ऐसे घसीटकर ले गई बच्चे को, और ठाकुर जी के सामने खड़ी होकर चप्पल निकाल के जो मारने लगी भगवान को, इतना गुस्सा, चप्पल उठाकर ठाकुर जी को, विट्ठल नाथ जी को ऐसे मारने लगी। लोगों ने हल्ला मचाया, गया, ए क्या करती है, पागल है। लोगों ने जब रोका तो इसका हाथ रुका और बच्चे को वहीं पटक कर, ले मर यहीं पर, चप्पल फेंक कर चली गई। जब चली गई तो विट्ठल जी, विट्ठल नाथ जी शिव विग्रह से, अपनी मूर्ति से हाथ यूं बढ़ाए और बच्चे के ऊपर ऐसे हाथ फेर दिए, ऐसे एक हाथ फेर दिया बच्चे के ऊपर, और बच्चा जो कि अभी एकदम बेहोश अवस्था में था एकदम खड़ा हो गया और माँ के पीछे पीछे दौड़ा जाए, माँ 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 माँ। माँ ने देखा, अरे तू दौड़ रहा है, हाथ लगाकर देखा, बुखार नहीं है, कहाँ गया, किसने ठीक किया? वो तो पांडुरंगा ने, वो तो सत्यानाश। तू भी बाप की तरह पांडुरंगा। ये चमत्कार होने पर भी उसको विश्वास नहीं कि भगवान ने, श्री पांडुरंगा जी ने, श्री विट्ठल नाथ जी ने ऐसा किया, विश्वास नहीं। अच्छा तुकाराम जी कुछ खाते भी नहीं, खेत में बैठे रहते। हाँ वो जमींदार आ गया, घर का पैसा वैसा देना था, पैसा इनके पास था ही नहीं, काम करते नहीं, काम नहीं करते तो क्या करते, बस नाम करते, या तो नाम करो या काम करो। तो फिर कहा चल ठीक है खेतों में काम करो, तो ऐसे करते करते ऋण चुकेगा। खेत में काम क्या करें, हल जोत रहे और साथ साथ पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा, वो हल जोते 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 वो खेत कहां आगे दूसरे खेत में पहुंच गया, होश ही नहीं, निकाल दिया नौकरी से। पत्नी को थोड़ा तरस तो आया, सुबह से भूखे हैं, अब पत्नी है, घर से कुछ पकवान लेकर आ गई, सामने बैठ गई, बड़ा मार्मिक दृश्य है, और बड़े प्रेम से समझाने लगी, सुनो आप भक्ति करने वाले हो, सब समय नाम करते हो, सुनो जी थोड़ा सा काम कर लिया करो, मैं तो स्त्री हूं ना, मैं तो काम कर नहीं सकती, आपको ही थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा बच्चों का सोच लो, थोड़ा भगवान के, थोड़ा घर के बारे में सोच लो, घर में गैया है, भैंस है, कुछ तो सोचो हमारा, बड़े प्रेम से समझा रही है। और ये रोते रोते पता क्या कह रहे हैं, हाथ में बीना दे रखी है, बोलते क्या करूं हे भारजे, हे मेरी धर्म पत्नी, मैं क्या करूं, मेरा संसार में किसी वस्तु में मन ही नहीं लगता, मैं तुमको आज अपने मन की बात बोलता हूं,
मेरा मन तो पांडुरंगा में ही लगता है, उनको छोड़कर मेरा किसी वस्तु में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, मैं विवश हूं। तुम्हारे कहने पर, किसी के कहने पर भी ये नहीं हो पाएगा। रोते रोते बता मैं क्या करूं, ऐसे हाथ कर रहे हैं, बता मैं क्या करूं, तुम ही बता मैं क्या करूं। और एक क्षण में ही फिर बस पांडुरंगा ही करेंगे, पांडुरंगा पांडुरंगा बस ये बोले जा रहे। तो सारा जीवन ऐसे कष्ट वाला रहा, पत्नी का विरोध, कुछ समाज वालों का विरोध, लेकिन इनके मुख से नाम नहीं जा रहा, क्योंकि इनको शोक मोह और भय प्रतीत भी नहीं हो रहा। यहां तो हो रहा है हम सहन कर रहे हैं जी, एक होता है हम सहन कर रहे हैं, इनको तो पता भी नहीं लग रहा, प्रतीत भी नहीं हो रहा। शोक मोह भय पाया, और ऐसे करते करते एक दिन वैकुंठ से वाहन उतर आया। ये दृश्य जब, ये कथा जब कहते हैं ना, और ये दृश्य जब चिंतन करते हैं तो बड़ा हृदय रोता है। वैकुंठ से वाहन चलाया, जो हमारी अंतिम गति है, इस आत्मा की यात्रा की जो अंतिम गति है, न तो ये आत्मा घूमे जा रही है। वैकुंठ से वाहन चलाया, भगवान के सुनंद आदि पार्षद शितुका राम जी को वाहन पर आदर सहित प्रणाम करके उनको वाहन पर विराजमान किए। और जितने वहां के गांव वाले सब अब संकीर्तन कर रहे हैं, सब आहा आहा वाह क्या बात है। तुकाराम जी रो रहे हैं, संसार से जा रहे हैं इसलिए नहीं रो रहे, आज भगवान से मिलन होने जा रहा है, वो सुख के आंसू रो रहे हैं। और जितने गांव वाले सब बैठकर रो रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी संपत्ति को आज खो रहे हैं, ये हमको छोड़कर जा रहे हैं। उस समय उन्होंने क्या कहा, भगवान के पार्षदों से कहा, पत्नी को भी ले लूं। तुकाराम जी के प्रार्थना करने पर पत्नी को भी वाहन पर बिठा दिया गया, वैकुंठ चले गए संबंध होने के कारण। और जाते जाते गांव वालों ने पूछा, हमारे लिए कुछ कह जाओ, कोई एक दो आशीर्वाद वचन दे जाओ। तो उन्होंने एक बात कही, साधु संग करना और सब समय पांडुरंगा कहना, ठाकुर जी का नाम करना, बस। वाहन जैसे चला, संकीर्तन, महासंकीर्तन आरंभ हो गया, सब पांडुरंगा 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 सब संकीर्तन करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में तुकाराम जी को लोग इतना पूछते हैं, इनके कारण ही नाम की इतनी महिमा, जो स्वयं नाम भी किया और नाम का प्रचार भी किया। ये विषय कहां से उठाया, यस्य वै शुनमाया नाम कृष्ण परम पुरुषे, भगवान की कथा सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है, और भक्ति की जैसी प्राप्ति होगी और जितनी मात्रा में प्राप्ति होगी उतनी मात्रा में ही शोक मोह और भय की दूरी होगी, उतनी प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शनेटली। 5% होगी तो 5%, 10% होगी तो भी 10%। समझ आई बात, ये है एक लेवल। हम बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं ना जब, तो लिफ्ट के बटन होते हैं ना, 2-3 मंजिल 4 मंजिल 10 मंजिल, जिस बटन दबाओ लिफ्ट उतनी ऊपर ले जाती। इसके ऊपर का लेवल है ब्रज का, ब्रजवासियों का, जहां पर ये सब मिलकर कृष्ण नाम भी करते हैं,
और कृष्ण की ही सब समय आलोचना करते हैं। कौन? नंद बाबा कभी कृष्ण कथा को छोड़कर कुछ और बोलते हैं? इनका सब कुछ कृष्ण ही है। कन्हैया ने ये किया, कन्हैया ने वो किया, कन्हैया ने ऐसा किया। यशोदा मैया कन्हैया को छोड़कर कुछ करती है? दधी मंथन करेंगी तो कन्हैया के लिए, सारी सामग्री संदेश बनाएगी तो कन्हैया के लिए। सखा कन्हैया को छोड़कर कुछ करते हैं? गोपियां कृष्ण को छोड़कर कुछ करती हैं? राधा जी कृष्ण को छोड़कर कुछ करती हैं? कुछ नहीं। सब समय कृष्ण कृष्ण ही करेंगी, और सब क्रिया में या दोने अवाने लेपने, गाय का दूध निकालेंगी, घर में झाड़ू लगाएंगी, पकवान बनाएंगी, रसोई करेंगी, पतियों की सेवा करेंगी, बच्चों को पलने में सुलाएंगी, हर क्रिया में कृष्ण का स्मरण, गोविंद दामोदर माधवेती, बस यही गाती रहती है। और ऐसे करने पर इनको क्या प्राप्त होता है जानते हो? ये एक अलग लेवल है। ऐसा करने पर इनको शोक की प्राप्ति होती है, मोह की प्राप्ति होती है और भय की प्राप्ति होती है। क्या बात है, समझ नहीं आई? पहले आपने कहा जो भगवान की कथा सुनता है उसका शोक मोह और भय दूर चला जाता है, यही बोला था ना, समझ आ रही बात? लेकिन ब्रजवासियों में और शोक प्राप्त होता है, और मोह प्राप्त होता है, और भय प्राप्त होता है। इतना कृष्ण नाम करने पर शोक प्राप्त होता है, भय प्राप्त होता है जी। द्वारका वालों को इतना प्राप्त नहीं होता, रुक्मणी सत्यभामा को इतना प्राप्त नहीं होता, उनको कोई भय नहीं है। होगा भी तो ये 2-4-5%, उनको कभी ये भय नहीं है कृष्ण हमको छोड़ के चले जाएंगे। बोलते जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, 16,108 रानी है, द्वारका छोड़ के तो कभी जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? ये भय उनको नहीं है, ये भय है ब्रजवासियों को। किस बात का भय है उनको? कल खाने को मिलेगा कि नहीं, इस बात का? अरे गोवर्धन धारा लीला में 7 दिन तक नहीं खाया, रास लीला में ब्रह्मा जी की 1 रात तक खान पान शयन नहीं हुआ, इस बात का शोक नहीं है? एक ही शोक है बस। कहीं कन्हैया कभी कृष्ण हमको छोड़कर चले ना जाए। जिसको जितना प्रेम होता है उसको उतना ही शोक होता है। किस बात का शोक? कहीं कृष्ण हमको छोड़कर चले ना जाए। समझ आई बात? भक्ति उत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय भया, ये शोक में पड़े रहते हैं। कौन से शोक में? ये संसार वाले शोक नहीं, ये दिव्य शोक में पड़े रहते हैं। कौन सा शोक है? हाय कृष्ण का दर्शन नहीं मिल रहा, हाय कृष्ण कहां गए, हाय दिख नहीं रहे, ये शोक है। उतना ही भय है कहीं हमको छोड़कर चले ना जाएं, कहीं मथुरा ना चला जाए, उतना ही भय है। शोक मोह भय भया, और इस शोक मोह और भय को दूर करने के लिए इनके पास एक ही संबल है, एक ही आश्रय है, वो क्या? कृष्ण नाम। वो कृष्ण नाम और शोक में डालता है, वो कृष्ण नाम और भय में डालता है, और वो ही कृष्ण नाम इस शोक और भय को समाप्त करता है, और साथ ही साथ वही कृष्ण नाम इस शोक मोह को और बढ़ाता है। विरुद्ध धर्म आश्रय दोनों चीजों को ही एक साथ चलाता है। कुछ समझ भी आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? वही कृष्ण नाम इनके शोक को शमित करता है, इनके भय और मोह को शमित करता है, और वही कृष्ण नाम इनके शोक मोह और भय को और बढ़ा देता है, और बढ़ाकर फिर शमित करता है,
कम करता है फिर और बढ़ा देता है, ये परस्पर चलता रहता है, यही ब्रज का भाव है। ये कृष्ण नाम हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या करते हैं? भागवत जी का समापन कहां से होता है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्य तम नमामि हरि परम। सारे भागवत जी का सार कहां निकला? नाम संकीर्तन यस्य, भगवान के नाम संकीर्तन। ये इस कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है, यही इस कलयुग का सबसे बड़ा मुक्ति का उपाय है, यही इस कलयुग का सबसे बड़ा धन है। वो तो सतयुग में नहीं था, अलग अलग युगों में अलग अलग पद्धति थी। कृते यध्यातो विष्णु त्रेतो यजतो मखे द्वापर परिचर्यम कलोतत कीर्तना। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में सेवा परिचर्य के द्वारा, और कलोतत कीर्तनार कलयुग में कीर्तन के द्वारा। कौन सा कीर्तन? यस सर्वशुनमायनाम कृष्ण परम पुरुषे, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। उस कृष्ण नाम के द्वारा जो सब समय विजय को प्राप्त होता है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये भगवान के नाम के द्वारा इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति है। जितने मर्जी यज्ञ कर लो, उस यज्ञ में अगर नाम संकीर्तन नहीं होता वो यज्ञ अधूरा है। जितनी मर्जी परिचर्या सेवा कर लो, उसमें नाम संकीर्तन नहीं होता तो वो परिचर्या भी अधूरी है। ध्यान, ध्यान के तो भूल ही जाओ, ध्यान तो कुछ और चीज का लगता है, और कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही होता है। इसलिए परीक्षित जी ने बड़ा विचार करके कली को अपने राज्य में आने की अनुमति दी। परीक्षित जी ने देखा ये कली आएगा तो कलह होगा, कष्ट होगा, कलेश होगा, तलवार उठा ली परीक्षित जी ने और कली को जो मारने लगे। कली ने कहा देखो आप तो राजा हो, आप तो सबको स्थान देते हो, आप मुझको भी कोई स्थान दो, मैं भी कुछ स्थान चाहता हूं। तो उस समय परीक्षित ने सारग्राही होकर, जो सारग्राही होते हैं, सारग्राही समझते हैं क्या होता है? सारग्राही नहीं समझते, मधुमक्खी होती है ना, भंवरा होता है ना, फूलों पर बैठता है, उसके सार को निकाल लेता है, इसलिए वो क्या होते हैं? सारग्राही। भगवान के भक्त सारग्राही, पुष्पों पर बैठकर उसके सार को निकाल लेते हैं। परीक्षित जी को सारग्राही कहा गया। इन्होंने देखा कली मेरे राज्य में आएगा तो कष्ट भी होगा, कलेश भी होगा और कलह भी होगा। तो परीक्षित ने तलवार लेकर मारने लगे, लेकिन एक विचार आ गया मन में, बोलते नहीं मैं कली को मारूंगा नहीं, इसको आने दूंगा। ये जानकर भी कि सब लड़ेंगे मरेंगे, हाँ, उन्होंने कली में बस एक ही गुण देखा, सारे अवगुण थे। अच्छा, कष्ट होना गुण है कि अवगुण है बताओ? एक साथ बोलो, गुण नहीं है। कलह होना गुण है कि अवगुण है? कष्ट होना, आप ही बोल रहे, बाकी सब कह रहे अच्छा है, कष्ट आ जाए कलह आ जाए, अच्छा है? तो अगर बोलोगे तो नहीं आएगा। कष्ट गुण है कि अवगुण है? उन्होंने बस कली में एक ही गुण देखा, कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एक महद गुना, एक महद गुना कीर्तन एव कृष्णस्य।
तत्संग मुक्त भवे। उन्होंने क्या देखा, कली क्या है, दोषों की खान है, दोषों की नदी है, समुद्र है, लेकिन एक ही बस गुण है कली में, वो क्या है, कीर्तन एव कृष्णस्य, एकमात्र कृष्ण कीर्तन के द्वारा ही व्यक्ति सब प्रकार के कष्ट कलह और कलेश को दूर करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यही भागवत जी का सार है। इसलिए अपने घर में रोज भागवत जी पढ़ो, पंडितों के पास जाएंगे, ये उपाय कर दो, वो उपाय कर दो, उपाय घर में पड़ा हुआ है, करना नहीं चाहता कोई, हर कोई पैसा खर्च करना चाहता है लेकिन उपाय अपने आप कष्ट नहीं करना चाहता ना। बोलते हैं बेडरूम में बेड पे लेटे लेटे भगवान मिल जाए, कष्ट क्यों करें, बिना कष्ट के कुछ मिलता है, नो पेन नो गेन, थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा, मंदिर में आकर श्री राधा माधव गौड़िया मठ में आकर कथा तो सुननी पड़ेगी, इतना कष्ट तो करना ही पड़ेगा, और फिर हाथ में और जीवा से नाम तो करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े भक्त बैठे हैं, ये हमारे महेश्वरी जी बैठे हैं, लगभग 40 साल हो गए भगवान का नाम कर रहे हैं, हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर करो, ऐसे नहीं करो, ऊपर करो, 40 साल हो गए लगभग नाम कर रहे हैं, अभी कथा के बाद इनकी जीभ देखना घिसी हुई दिखेगी, नाम करते करते जीभ घिस गई, किसी ना किसी तो नहीं, जीभ दिखाओ, आया करो, किसी की जीवा घिसती है, बात करते करते तो जीवा घिसती नहीं, नाम करते करते जीभ घिसेगी, कुछ नहीं होगा। इतना अच्छा वरदान दिया भगवान ने ये जीवा, जिस जीवा के द्वारा नाम किया जाएगा, वही नाम हमारा काम बन जाए तो कितना अच्छा होगा। यही भागवत जी का सार है। इसलिए हर कोई व्यक्ति कल के दिन, दिवाली के दिन से ही अगली दिवाली तक एक व्रत ले लो, 5 मिनट हो के 10 मिनट हो के 5 घंटा हो, मैं रोज थोड़े थोड़े भागवत पढ़ूंगा पढ़ूंगी, एक श्लोक भी क्यों ना हो, ये सबसे बड़ा उपाय है, ये सबसे बड़ा कवच है, इससे बढ़कर और कोई कवच, इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। इसलिए स्थान स्थान पर भागवत जी की कथा होती है, स्थान स्थान पर, इसी उद्देश्य से कथा होनी चाहिए और करनी चाहिए। इसलिए उन ब्रजवासियों की ये जो समस्त लीला हम सुन रहे हैं, भागवत जी की लीला, यही ब्रज का धन है। कौन सा धन, प्रेम धन, जिसको लेकर कौन आया उस धाम से इस पृथ्वी पर, वो लेकर कौन आया, जो वहां का रहने वाला वही ला सकता है कि नहीं। आप मथुरा से दिल्ली आओ, फरीदाबाद आओ, तो मथुरा का सबसे फेमस क्या होता है, क्या होता है, आगरा का क्या है, सबको पता है, तो रिश्तेदारों के लिए सबसे अच्छी चीज वहां की लाई जाती है ना। गोलोक का जो सबसे बड़ा धन है, वहां का व्यक्ति इस संसार के लिए लेकर आया, बड़ा मिठास, बड़ा मीठा है, क्या है, गोलोक केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का वो जो नाम, जो प्रेम धन है, वो है नाम, उस नाम को ही यहां पर लेकर आए, कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु जी। माया मृगम देवत इवस अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम लोग जो माया के पीछे दौड़ रहे हैं, जैसे हिरन पानी के पीछे दौड़ता है और रेगिस्तान में मर जाता है, पानी नहीं मिलता, हम भी उस सुख की खोज में मर जाते हैं, सुख नहीं मिलता, इसलिए महाप्रभु जी दौड़े हमारे पीछे,
माया मृगम देवत इप्सित अनवधावन वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। वो श्री चैतन्य महाप्रभु माया ग्रस्त जीवों की ओर दौड़े, उनको नाम प्रदान किया, ये नाम लो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, यही हमारा सबसे बड़ा उपाय, यही सबसे बड़ा टोटका, यही सबसे बड़ा सुख और यही सबसे बड़ा काम। इसको अपने जीवन में उतार लो, अपनी जिद छोड़ दो, अपनी जिद छोड़ दो, भगवान की जिद पकड़ लो। अपनी जिद क्या है? मैं तेरे को बुलाऊंगा जब मेरे को आवश्यकता होगी, या फिर मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं, ये अपनी जिद है। भगवान की जिद पकड़ लो, और भगवान की जिद क्या है? कर लो मेरा थोड़ा नाम, कर लो मर लो। माँ बोलती है ना बच्चे को, कर मर ले, इसका मतलब माँ ये थोड़ा बोलती है तू मर जा, है ना? भगवान भी कहते हैं नाम कर मर ले, अपनी जिद छोड़, मेरी जिद पकड़ ले, नहीं तो फिर गिद्ध ही खाएगा, पशु पक्षी इस मरे हुए शरीर को खाएंगे। जब तक जिंदा है, जीवित है, इस नाम को कर ले, बस पूरा पूरा लाभ उठा ले। हर रोज 24 घंटा दिया भगवान ने, उसमें से एक घंटा भी उनको नहीं दे सकते तो लानत है। 24 घंटा भगवान ने दिया खाने के लिए, सोने के लिए, काम करने के लिए, स्नान करने के लिए, कुछ भी करो, उसमें से एक घंटा भी उनको नहीं दे सकते जिन्होंने सब कुछ दिया हमको, तो धिक्कार है हमारे जीवन को। फिर ये मनुष्य शरीर बेकार है, पशु है, फिर हम लोग कीट पतंग मच्छर हैं, इससे अच्छा जीना ही नहीं चाहिए, मर जाओ। एक घंटा भी उनको नहीं दे सकते जिन्होंने हमको सारा सब कुछ दिया, घर परिवार दिया, संसार दिया, मित्र दिए, सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया, सुख दिया, आराम दिया, फिर भी कहते हैं तू है कि नहीं है, विश्वास नहीं है, फिर भी कहते हैं तूने मेरे लिए किया तो किया क्या? इसलिए सूरदास जी कहते हैं ऐसो नमक हरामी, मैं ऐसा नमक हरामी हूं, ऐसा बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं अपने आप को, बल्कि हमको दे रहे हैं। जिनका नमक खाते हो उनको पूछते भी नहीं हो, कितनी गंदी बात है। अपनी जिद में ही अड़े हो कि मैं कुछ भी हो जाए आपका पूजन नहीं करूंगा, दिवाली के दिवाली करूंगा बस। एक घंटा भी देने के लिए नहीं है भगवान के पास, तो फिर जीवित रहने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने आप को फिर धिक्कार देना चाहिए, एक घंटा भी मैं भगवान को नहीं दे सकता, जो भी इतना कष्ट भी नहीं है, आराम से बैठकर नाम ही करना है। न खाइते सुइते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। इतना सहन कर दिया कि खाते हुए, लेटे हुए, चलते हुए, बैठे हुए, कुछ भी करो, नाम करो बस। टॉयलेट में बैठे हैं तो माला तो नहीं ले जा सकते, लेकिन वहां पर नाम जरूर कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं ईश्वर हैं, जो स्वयं भगवान हैं, जो कृष्ण हैं, अपनी नर लीला कर रहे हैं, और सुबह जो नित्य क्रिया जो होती है, नैमित्तिक जो क्रिया होती है, मल इत्यादि त्याग करना, श्री महाप्रभु जी इस प्रकार क्रिया करने के लिए गए, अपनी जीभ को पकड़ लिया। एक छोटा सा बच्चा गोपाल नाम का महाप्रभु जी के निकट आया, बड़े सरल भाषा में बोलते महाप्रभु जीभ को क्यों पकड़ा हुआ? महाप्रभु ने कहा बेटा अभी तो वो मल त्यागने, टॉयलेट करने जा रहा हूं ना, उस समय तो नाम नहीं करना चाहिए, अशुद्धता होती है, अपवित्र होता है, इसने जीभ को पकड़ लिया, क्योंकि मेरी जीभ सब समय कृष्ण नाम करती है, मैंने जीभ को पकड़ लिया।
वो छोटे से बालक गोपाल ने एक बात कही, बोलते महाप्रभु यदि कोई ऐसी स्थिति में प्राण छोड़ते तो क्या वो नाम नहीं कर सकता, क्योंकि प्राण तो कोई कभी भी छोड़ सकता है। बहुत सारे लोगों का प्राण छूटने का किस्सा तो बाथरूम से ही शुरू होता है। मैं तो बहुत उदाहरण सुने, बाथरूम में गए जी, फिसल गए, हड्डी टूट गई, हिप बोन टूट गई या सिर फट गया, और वहीं से सिलसिला आरंभ हो गया। अस्पताल गए, आईसीयू में पहुंच गए, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, बीपी बढ़ गया, डायबिटिक बढ़ गई, लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, सारा सिलसिला आरंभ हुआ बाथरूम से ही, फिसल गए थे। होता क्या नहीं डॉक्टर साहब, बाथरूम से लेकर हॉस्पिटल तक का सफर, और हॉस्पिटल से फिर शमशान क्रिमेशन तक का सफर। बाथरूम में कोई अगर ऐसे अपवित्र स्थान पर हो, टॉयलेट कर रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है, तो भगवान का नाम नहीं कर सकता। छोटे से बालक ने बड़ी सरलता से महाप्रभु से पूछा, आपने जीवा को पकड़ लिया तो क्या ऐसी स्थिति में कोई नाम नहीं कर सकता, अगर कोई प्राण छोड़ दे तो? महाप्रभु जी ने तुरंत जीवा छोड़ दी। वो तो क्यों नहीं कर सकता, बड़ी अच्छी बात बताई गोपाल तुमने, तुमने मुझको भी नाम की शिक्षा दी। आज से तुम गोपाल नहीं, तुम गोपाल गुरु हो गए हो। महाप्रभु जी ने गुरु की उपाधि कर दी छोटे से बालक को, प्रतिष्ठित कर दिया गुरु कहकर। क्यों? नाम के प्रति इतनी निष्ठा तुम्हारी, और तुम मुझको भी शिक्षा दे दी आज, इसलिए गोपाल नहीं तुम गोपाल गुरु हो गए हो। इसलिए गोपाल गुरु जी की बड़ी सुंदर पद्धति, अष्टकाली लीला स्मरण इत्यादि, बड़ा सुंदर नाम की व्याख्या उन्होंने की। तो बाथरूम में भी नाम किया जा सकता है। एक तेली था, सरसों का तेल निकालने वाला, सारा दिन बैल चलाता, हैया 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 करते करते बैल चलाता, थक के सो जाता। किसी ने कहा भाई भगवान का नाम किया कर, तू हई हई कर रहा है, हरी हरी बोल दिया कर। बोलते कोई काम करते हुए नाम नहीं करूंगा, जब खाली होगा तब नाम करूंगा। बोलते खाली तो तेरे पास समय है ही नहीं, समय तो तेरे पास है ही नहीं, बोलते मैं ढूंढ लूंगा समय। तो इसने विचार किया, कौन सा ऐसा समय जब मैं बात नहीं करता, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता, हाँ जब मैं टॉयलेट में होता हूं 10 मिनट, उस समय मेरे पास कोई नहीं होता, वहां पर नाम करूंगा। टॉयलेट में बैठा नाम कर रहा है, राम राम राम। हनुमान जी को आया गुस्सा और आकर पीठ पर मारी एक लात, मूर्ख तेरे को यही जगह मिली है मेरे प्रभु का नाम करने की? सारा दिन तेरे को समय नहीं है, टॉयलेट में नाम। और हनुमान जी की लात पड़ जाए तो सोचो क्या हो, बड़े क्रोध में हनुमान जी लात मार के तो चले अयोध्या में आए, और देखा अयोध्या वासी तो इधर उधर दौड़ रहे महल में, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। हनुमान जी ने कहा ये भगदड़ कहां से बच गई, अभी तक तो सब ठीक था। किसी को रोका, भैया क्या हुआ बताओ तो, अरे हट जाओ हनुमान जी हट जाओ, पता नहीं क्या हो गया। दूसरे को पकड़ा, कोई हाथ में मल्लम लेके जा रहा है, कोई गर्म पानी लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, अरे भैया कुछ हुआ क्या हो गया, अरे हट जाओ हट जाओ। हनुमान जी बार बार पूछ पूछ के परेशान, एक व्यक्ति को पकड़ लिया, बोलते मारूंगा एक, सच सच बता हुआ तो हुआ क्या, बोलते आपको नहीं पता, बोलते हुआ क्या, प्रभु राम की पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, कहार रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं। हनुमान जी तो रोकते रोते 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 दौड़े भीतर, कोई दबा रहा है, कोई मल्लम लगा रहा है, कोई गर्म पानी का सेक कर रहा है, हाथ जोड़कर आए,
प्रभु ये क्या हो गया, अभी तक तो ठीक था, सब क्या हो गया? हनुमान तुम पूछते हो क्या हो गया, मुझको लात मारकर फिर पूछता क्या हो गया? हनुमान जी तो और रोने लग गए, प्रभु मैं तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता मैं आपको लात मारूंगा, क्या कह रहे प्रभु आप? नहीं भाई, हनुमान बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज मारा तूने, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी किसी को लात मार कर आया ना, अच्छा वो तो बड़ा खराब व्यक्ति दुष्ट, इतने गंदे स्थान पर आपके पवित्र नाम का जप कर रहा था, मेरे से सहन नहीं हुआ लात मार दी। राम जी ने कहा यही तो हनुमान, तुम इस बात को भूल गया जो मेरा नाम करता है मैं उसके शरीर में वास करता हूं, जो मेरा नाम करता है मैं उसका रक्षक हो जाता हूं, जो मेरे नाम का सहारा लेता है तो मैं उसका सहारा बन जाता हूं, तुम ये बात को भूल गया? जब वो मेरा नाम कर रहा था तो मैं उसकी रक्षा कर रहा था, मैं उसके शरीर में वास कर रहा था, तुमने लात उसको नहीं मारी, मैंने अपने पर ली है, उसकी रक्षा की है, क्योंकि उसने अपराध वाला नाम नहीं किया था, इनोसेंट था, तो मैंने उसकी रक्षा की, तो मैंने अपने पर तुम्हारी लात खाई। हनुमान जी तो रोने लगे, प्रभु मुझको क्षमा कीजिए। राम जी ने कहा तुम भूल गए, सकल एव पपनयस् तस्मिता याचते, जो एक बार ये कहता है प्रभु मैं आपका हो गया हूं या आपका होना चाहता हूं, होते उसी समय अभ्यम सदा ददामि, अभय सदम ददामि व्रत माम, मैं उसी समय व्रत ले लेता हूं, मैं इसको सब प्रकार का अभय प्रदान करूंगा उसी समय। ये है नाम की महिमा, समझ आई बात? अब एक साइंटिफिक चीज बताता हूं, अमेरिका के साइंटिस्टों ने ग्रीन हाउस रखा, पौधे रखे, दो सेक्शन दो प्रकोष्ठ रखे, एक में पौधे थे दूसरे में भी पौधे थे, एक जैसे पौधे बीज डाला, एक सेक्शन में उन्होंने म्यूजिक लगा दिया, कौन सा, ऐसी कोई फिल्म विलम का म्यूजिक, दूसरे सेक्शन में लगा दिया हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे। तो उन्होंने एक चमत्कार देखा, तीन चार महीने बाद ये देखा कि जहां पर वो इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था वहां पर भी पौधे हो गए, जहां पर कीर्तन हो रहा था वहां पर भी पौधे हो गए, लेकिन जहां कीर्तन हुआ वो पौधों की जो साइज था वो चार गुना अधिक था उस सेक्शन में जहां पर साधारण म्यूजिक चल रहा था, क्योंकि पेड़ पौधों में भी उनमें भी समझ है ना, मुकलित चेतन है, ढका हुआ चेतन है, लेकिन उनका भी नरिशमेंट भगवान के नाम से होती है, जब उनका ऐसा हो सकता है तो हमारा नहीं होगा, हमारा भी पोषण उस नाम से होता है। जब जब कन्हैया पर विपत्ति आई, पूतना आई, शक्तासुर आया, त्रिनाव्रत आया,
पुतना को मारा, शक्तासुर को मारा, तो यशोदा मैया ने फिर क्या किया? गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से कन्हैया का अभिषेक कर दिया। कन्हैया सोचने लगे, ये कहाँ आ गया मैं ब्रज में? कहाँ तो दही दूध से अभिषेक होता है, यहाँ तो गाय के मूत्र से और गाय के गोबर से अभिषेक होता है। देखो, जब हमारे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहां पर गाय का गोबर भी चाहिए होता है, पंचगव्य बोलते हैं, गाय का मूत्र भी चाहिए, गाय का गोबर भी चाहिए और दूध दही तो होता ही है। यशोदा मैया गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से अभिषेक करती है, तब भी मैया को चैन नहीं, शांति नहीं। भगवान के नामों को लेकर, भगवान कृष्ण के अंगों को स्पर्श करके कृष्ण के अंगों की रक्षा करती है, कन्हैया के अंगों की रक्षा करती है। भगवान गोविंद तुम्हारे इस अंग की रक्षा करें, भगवान माधव तुम्हारे इस अंग की रक्षा करें, भगवान मधुसूदन इसकी रक्षा करें। भगवान के नाम लेकर भगवान के अंगों की रक्षा करती है, तो जो नाम भगवान के अंगों की रक्षा कर सकता है वो हमारी रक्षा नहीं करेगा, इसमें संशय क्या है? इसलिए सभी भक्तों, भगवान का नाम करो, हर रोज घर में भागवत जी की कथा सुनो, पढ़ो और फिर भगवान का नाम करो, और ऐसे करते करते संसार से चले जाओ। मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, मेरे को ही जाना है, हम सबको ही जाना है, लेकिन निर्धन होके नहीं जाएंगे, धनी होकर जाएंगे, समझ रहे? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अभी इसी साल ही शरीर छोड़े हैं, क्या लेकर गए? कंपनी के शेयर्स लेकर गए, कैपिटल लेकर गए, उन्होंने जो कमाई की, पुण्य की, दान की और नाम की, उस कमाई को लेकर गए। हम आप भी उसी कमाई को लेकर जाएं, वो पुण्य की कमाई नहीं, नाम की कमाई। पुण्य की कमाई लेके जाएंगे तो स्वर्ग तक पहुंच जाओगे, ये करेंसी वहां चलती है। कपिल के भैया लंदन से पाउंड लेकर आए, यहाँ चलेगा फरीदाबाद में? यहाँ पर आकर तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ तो रुपया चलेगा, रुपए में भी 2000 का नोट लिया तो चलेगा, पुलिस और पकड़ लेगी। हर देश की अपनी करेंसी है, स्वर्ग की करेंसी क्या है? पुण्य, वहां पर ये पुण्य वाली करेंसी चलती है। लेकिन सोचो, भगवान के धाम साकेत धाम जाएंगे, गोलोक जाएंगे, पुण्य लेकर, हाँ मैंने 100 पुण्य कमाए, बोलेंगे नॉट वैलिड सर, ये पुण्य वाली करेंसी यहां नहीं चलती। यहां कौन सी करेंसी चलती है? वो तो यहां नाम की करेंसी चलती है। हर देश की अपनी करेंसी होती है ना, तो पुण्य वाली करेंसी जाएगी स्वर्ग तक, और नाम वाली करेंसी जाएगी गोलोक वृंदावन ब्रज तक। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, बोलो कृष्ण नाम की जय, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनस्य तब नमामि हरि परम। भागवत जी का सार अंतिम श्लोक उच्चारण करके आज श्री राधा माधव गौड़िया मठ में इस भाग कार्तिक मास के शुभ बेला में भागवत जी को यहीं पर विराम देते हैं, विश्राम कराते हैं, उसके बाद फिर सेवा करेंगे भागवत जी की। रोजी सेवा होती है, नित्य भागवतम सेवा, लेकिन जो सप्ताह जो विधि है वो सेवा होगी अब 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। उससे पहले 16 और 17 नवंबर को सेक्टर 21 सी मार्केट के सामने श्री राधा माधव गौड़िया मठ का जो नया निर्माण हो रहा है, वहां पर 2 दिन का बड़ा विशाल विराट कार्यक्रम है। बहुत सारे साधु संन्यासी आएंगे, देश विदेश से भक्त लोग आएंगे,
आ ही गए हैं लगभग। 16-17 को ये कार्यक्रम रहेगा, 16 तारीख को संध्या में ठीक 3 बजे सब लोग आ जाना, और शाम को 7-7:30 बजे तक कीर्तन कथा का ये कार्यक्रम चलेगा। बहुत सी कथाएं होंगी, कीर्तन होगा, संकीर्तन होगा, सब नृत्य करेंगे, और फिर महाप्रसाद होगा। फिर 17 तारीख को सुबह 7 बजे श्री चैतन्य महाप्रभु जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, श्री राधा माधव जी महाप्रभु जी का महा महा अभिषेक होगा मंत्रों के द्वारा, महा महा अभिषेक, साधारण अभिषेक नहीं। फिर यज्ञ होगा, पूर्णाहुति होगी, और फिर कथा होगी 10 से लेकर 1 बजे तक। वृंदावन से साधु सन्यासी आएंगे, कथा होगी, फिर महाप्रसाद आरती होगी, ठाकुर जी का महाप्रसाद करके मंदिर का जो उद्घाटन इसको किया जाएगा। 18 तारीख को भागवत जी का आरंभ होगा, 24 तारीख तक श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी, तब कहीं जाकर 9 दिन का ये उत्सव, नवरात्र होते हैं ना, 9 दिन मानते हैं ना, हमारा भी 9 दिन का उत्सव है। इस 9 दिन के उत्सव में आप सब लोग आइएगा। जो भक्त लोग मेरे से कथा के बाद पूछते हैं हमारी सेवा क्या, हमारी सेवा आज माइक पर ही बोल देता हूँ, अभी कल दिवाली कर लो, 1 दिन और छुट्टी देता हूँ, फिर अन्नकूट होगा, उसके बाद से 5-7 दिन तक तो आपकी सेवा रहेगी क्या, अपने सारे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मित्रों को अपना निमंत्रण देना, उनको सुहृद बनकर, उनका वेल विशर बनकर, सबको इस 9 दिन के आयोजन के लिए निमंत्रण देना, और अगर नहीं दोगे ना पाप लगेगा। अब मैंने बोल दिया यहाँ पर माइक पे, कहीं सोचो सुन लिया कौन करता है, छोड़ो महाराज ने बोल दिया, पाप लगेगा नहीं किया तो, नहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं लगेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। उस आयोजन के लिए सबको बुलाया जा रहा है, ये करेंगे ठीक है। फिर धीरे धीरे और जो जो सेवा बढ़ती, जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे सेवा बढ़ती जाएगी, तो मैं सबको एक अलग अलग सेवा दूंगा, आप उसके लिए सब तैयार रहना। कौन कौन करना चाहेगा सेवा? अच्छा, 2-4 हाथ नहीं उठा रहे, सोच रहे पता नहीं क्या दे देंगे। आप सबकी ये सेवा है, उस आयोजन में आना, चुपचाप बैठकर, कुर्सी भी होगी, सोफा भी होगा, नीचे भी बैठना, कथा कीर्तन का लाभ लो, और फिर प्रसाद पाना। ये सेवा तो कर सकते हो सब लोग, सब कर सकते हैं क्या? नहीं, अरे हाथ नहीं उठ रहे, अब सबके उठ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भागवत जी के जो हमारे आयोजन करने वाले माता जी श्रीमती सत्यवत गोयल जी, उनके पुत्र, पुत्र वधुएं, उनके बच्चे, सब सबका विशेष धन्यवाद पिताजी के उद्देश्य से, और इस मंदिर का स्थानांतर के उद्देश्य से, और अपनी भक्ति के उद्देश्य से 7 दिन व्यापी कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत जी की कथा को आपने जो आयोजन किया, अपने समस्त रिश्तेदारों को बुलाया, मित्रों को बुलाया, हम श्री राधा माधव गौड़िया मठ के समस्त भक्तों की ओर से आप सबका धन्यवाद देते हैं, और श्री राधा माधव जी से प्रार्थना करते हैं आपको सबको भक्ति हो, नाम में निष्ठा रुचि हो, और सब प्रकार का मंगल प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप कुछ कहना चाहेंगे? कपिल प्रभु है यहाँ पर? कृष्ण कृपा कपिल प्रभु है यहाँ? नहीं है, वो बोले थे यहीं बैठूंगा, अब फिर ऊपर चले गए। ठीक है, अच्छा, हम लोग अभी यहीं पर समापन करते हैं एक भजन के माध्यम से, और फिर उसके बाद दामोदर अष्टकम होगा। Thank you.
आप बोले थे नीचे बैठूंगा फिर ऊपर भाग, बोलो कुछ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भयच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब 7 दिवस तक आए भागवत कथा सुनने, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद माधवी प्रभु का जिन्होंने ये अवसर दिया कि हम लोग कार्तिक मास में ये भागवत कथा कर सकें। दूसरे नंबर पे महाराज ने ये आग्रह या निवेदन स्वीकार करा। महाराज का इतना बिजी शेड्यूल है कि उनके पास समय नहीं है, बट फिर भी उन्होंने ये स्वीकार करा कि वो भागवत करने को तैयार हैं। मेरा गला खराब हो गया 7 दिन बोलते बोलते, मेरा दूसरा नंबर। तीसरा, मैं अपनी माता का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अल्प समय में ही तुरंत हाँ कर दी। मेरे को मन में भय था, डर भी था, वो हाँ करेंगी कि नहीं करेंगी भागवत के लिए। शोक मोह भय भय। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बहुत सारे लोग मेरे सगे संबंधियों में, अगर नाम लूंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा, मेरे मामा चाचा जी और बहुत सारे लोग, नाना जी वगैरह, जिन्होंने अलग अलग प्रकार से इस भागवत कथा के अंदर योगदान दिया। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो कथा सुनने आए। जैसे महाराज हर बार कहते हैं कि अगर श्रोता ही नहीं होंगे तो वक्ता क्या करेगा। अगर आप सब लोग नहीं आते तो हम लोगों को इतना सेवा का अवसर कैसे मिलता। अभी आज सिर्फ भागवत का जैसे समाप्त तो होती नहीं है, विश्राम होता है, तो आज ही भागवत का विश्राम हुआ है। परंतु कार्तिक मास अभी 14 नवंबर तक है, तो 14 नवंबर तक प्रतिदिन प्रभु जी के अनुगत्य में यहाँ पे कथा, कीर्तन, दीपदान और प्रसाद प्रतिदिन व्यवस्था है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि और गोवर्धन या अन्नकूट की व्यवस्था करेंगे यहाँ पर, वो भी होगा। 1 तारीख को हमारी पंजिका या वैष्णवों के हिस्से, 1 तारीख को दीपावली है तो वो होगी, और इसी प्रकार से बहुत सारी तिथियां आएंगी। जैसे आप लोगों ने, अगर जो नियमित रूप से आ रहे होंगे, उन्होंने कई तिथियों को सुना होगा, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की, और ऐसे ऐसे कई तिथियां आई थी, तो आगे भी आती रहेंगी। तो इस प्रकार से आप आते रहिए। राधा माधव का हमारे पुजारी प्रभु प्रतिदिन एक नया श्रृंगार करते हैं, अलग 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 रोज वस्त्र मिलते हैं, ये नित्य नवायमान दिखते हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये पुराने हो गए या कुछ और हुआ, प्रतिदिन। और माता जी ने भी एक नए वस्त्र दिए थे राधा माधव जी के लिए, 2 दिन पहले उनको पहनाया गया था, 2 दिन पहले। हाँ, माता जी ने भी, गोयल माता जी ने भी। 14 नवंबर को जिस दिन, जैसे महाराज कुछ दिनों से बोल रहे हैं कि जैसे बेटी विदा होती है, तो हमारे राधा माधव जी यहाँ से विदा होकर जाएंगे अपने नए स्थान पे, परमानेंट स्थान है, जिसके लिए महाराज के 15 वर्ष का मेहनत था, परिश्रम थी, तो उनको अपना वो स्थान मिल जाएगा। तो उसी दिन हमारे एक आचार्य श्री श्रीमद शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि है, तो उस दिन हम लोग वैष्णवों का एक बहुत बड़ा उत्सव होगा, प्लस ठाकुर जी यहाँ से जाएंगे, तो उस दिन मॉर्निंग में प्रोग्राम होगा, करीब करीब 2 बजे करीब ठाकुर जी यहाँ से चले जाएंगे, तो बहुत बड़ा कीर्तन उत्सव सब होगा। आप सभी आमंत्रित हैं, जो जो भी ग्रुप के अंदर ऐड हैं उन सबको तो मैसेज अपने आप ही आ जाएगा, और जो अगर ऐड नहीं है तो बाहर जो एक बैनर लगा हुआ है भागवत सप्ताह का, उसमें 3 नंबर दे रखे हैं, किसी से भी वो संपर्क करके पूछ सकते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा, आप सबसे अगेन करबद्ध निवेदन है कि 16 और 17 जब हमारे इस जीवन काल का ये पहली प्राण प्रतिष्ठा है जो हम साक्षात देख सकते हैं, तो आप सब आइए और अपने जीवन को भी सफल बनाइए और हम लोगों को भी सेवा करने का सौभाग्य दीजिए। बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था करी गई है और आशा करता हूँ कि आप सब आएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
कुछ धन्यवाद इनका देना था, सुशील प्रभु और हमारे कीर्तनियों का, जिन्होंने इतने अच्छे से कीर्तन करा सातों दिन। सच्चिदानंद रूपम लसकुंडल गोकुल ब्रज मां
नामा विश्वारा सच्चिदानंद रूपा लास गणालंगो गोल रजमाना नामा विश्वारा सच्चिदानंद रूपा लास गणालंगो गोल रजमाना Oh,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare